ये रहा मेरा नारियल का और मसाले का लड्डू, तो टेस्ट करिए देखिए कैसा है। चलिए देखिए मेरा पूरा वीडियो देखिए, पता चले कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए फिर आप सभी एक बार अगर मुंह में डालेंगे पूरा खा जाएंगे, ये शर्त लगी। और कैसे सभी, जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी एकदम फिट फाट हूँ। तो चलिए देखिए आज मेरे किचन में क्या है। आज बहुत ही गजब का टेस्टी सा बनाया है, सोंधा सोंधा। तो चलिए देखिए क्या बनाया है। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में ये भी बने रहें, मेरा वीडियो देखना ना भूलें, स्किप मत करिएगा। देखिए बहुत मज़ेदार है आज, और इतना टेस्टी है कि कुछ पूछिए मत। और उसके साथ कुछ यादों का पिटारा भी है। तो चलिए धन्यवाद, प्रणाम। दोस्तों मेरे पास नारियल है इतना, तो सोच रहे हैं क्या बनाएं, कुछ तो बनाने का मन कर रहा है, कैसे बनाएं। घसनी भी ले लिया है, और चलिए कुछ देखते हैं, टेस्टी से बढ़िया से बनाते हैं, क्या बनाएंगे। पहले इसको घस कर रेडी कर लें, फिर आप लोगों को बताते हैं कि आगे हम क्या बनाने वाले हैं। नारियल तो हमने घस लिया है पूरा, और यही एक कटोरी से कम ही चीनी लिया, क्योंकि मीठा कम रखना है हम जो भी बनाने जा रहे हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, मेरे पास यही इतना ड्राई फ्रूट था। हाँ, थोड़ी किशमिश है, उसे भी डालना है। तो ये हमारी किशमिश भी हो गई। अब हमें करना क्या है, गैस को ऑन करना है। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है और घी डाल दिया है। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे हम, फटाफट बताएंगे। बादाम को थोड़ा सा भून लेंगे, यानी हल्का सा, थोड़ा हो जाए। बादाम काफ़ी हद तक हो गया है। अब इसी में काजू को भी डाल देंगे थोड़ा सा, इसे भी भून लेंगे। काजू इसलिए बाद में हमने डाला क्योंकि काजू बहुत जल्दी भून जाता है। देखिए बादाम चटक रहा है, बादाम थोड़ा लेट होता है, काजू जल्दी होता है। अब इसी में हम क्या काम करेंगे, थोड़ी किशमिश को भी डाल देंगे। सभी को थोड़ा सा भून लेंगे, होने ही वाला है सब, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस होने वाला है, अब इनको निकाल लेंगे हम। ड्राई फ्रूट निकाल लिया दोस्तों। अब इसी कढ़ाई में इस चीनी को हम डाल देंगे, और इसमें ये आधा कप से कम पानी डाल देंगे। अब इसको बढ़िया से खूब मेल्ट होने तक चलाएंगे, जब तक खूब अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो आइए इस बात पे कुछ कहानी आप लोगों को सुनाते हैं हम, कि क्या है इसकी कहानी। ये जो हम बनाने जा रहे हैं इसका मतलब आप लोग समझते हैं, इसके साथ कुछ यादें जो हैं मेरी वो बताते हैं। पुरानी चीज़ें याद कर लेते हैं, पता नहीं क्यों मैं इमोशनल बहुत हो जाती हूँ, बोलना मेरे लिए कठिन होता है। जब मेरी बिटिया बीटेक करती थी, जब उसकी वहाँ पुणे थी पोस्टिंग थी बड़ी वाली की TCS में नागपुर, तो ये लड्डू हम बना के लेके जाते थे। इसके दोस्त लोग लूट मचा देते थे, और यही नहीं, जो छोटी वाली बेटी मेरी NIT जमशेदपुर टाटा में जब वो MCA कर रही थी, तो वहाँ जब लेके जाते थे पूरे हॉस्टल के बच्चे सब उठा लेते थे, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, सब उठा। डिब्बा पता चला खाली हो जाए, जब हम बन लेके जाते थे कि हफ्ते 10 दिन बच्चे खाएंगे वो लड्डू, मुश्किल से समझ लीजिए कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाता था। तो कहती थी मम्मी और सारा बना के ले आया करो, इतने से कुछ नहीं होता। थोड़ा देखें इसका सीढ़ा कैसा हुआ, ये देख रहे हैं। अभी तो बांध थोड़ा सा और हो जाए फिर बांधते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और चूंकि ये घर का नारियल है, चूँकि घसा हुआ मैं बाहर से नहीं मंगाई हूँ, तो जो भी इसका मतलब कि तेल इसमें है नारियल का, वो सब इसी में रहेगा, तो वो और भी इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और मुलायम होता है। बाहर से आप अगर इसके बुरादे मंगा के बनाते हो, तो बुरादा तो तेल तो फेर के निकाल लेते हैं, अगर रूखा रूखा रहता तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता, कुछ 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 करता है, तो उतना मजा नहीं आता। तो ड्राई फ्रूट को सोच रहे थोड़ा सा खरखरा कर लेने, तो इसे खड़े खड़े डालना तो अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ा सा इनको किशमिश निकाल के अलग कर ले रहे हैं। बाकी काजू बादाम को थोड़ा पीस लेते हैं। कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमारी बिटिया है एक ठो, हमारे देवर की बिटिया,
क्या नाम है उसका, सोनम, वो लिखती है, बड़ी मम्मी मुझे भी खाना है, जो हमने देसी नूडल देसी वो बनाया था। तो मैंने कहा कि बेटा मेरे खुद को खाने के लिए तो मेरे पास आना पड़ेगा, तभी तुम बना खिला पाएंगे, मैं वहां आ नहीं पा रही हूँ, तो खाने के लिए तो भाई मेरे पास ही आना पड़ेगा, तभी तो खा पाओगे। और बहुत ही टेस्टेड होता है। चलते हैं, थोड़ा दर दबारा पीस लेते हैं, ऐसे ही आप लोग बनाओ, आप लोगों के सामने ही पीसेंगे, मेरा सारा सिस्टम यही रहता है, सब अपने अगल बगल ही रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा पीसना है, पीस गया। और आप लोग बताइएगा कौन कहाँ से मुझे देख रहा है, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम कैसे कुछ कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में शादी पड़ी है, धीरे धीरे तैयारियां हो रही हैं, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ डेली चर्चा, डेली कुछ न कि ये बाकी है तो वो बाकी है, तो इसकी बुकिंग देखो, उसकी बुकिंग देखो, तो अभी पानी वाला बचा है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी पानी वाले को सेट करना है, और हम शादी भी आप लोगों को दिखाएंगे पूरी, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा सीधा तैयार हो गया है, तो चलिए अब कितना ऐसे बात करें, अब जब थोड़ा बैक साइड चलेंगे तभी आप लोग देख पाओगे कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, तो चलिए फिर बैक साइड चलते हैं। दोस्तों देखिए, बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया, जिस लेवल पे हमें चाहिए उस लेवल पे तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब गैस को हम करेंगे पहले बंद, और इसमें हम पूरा नारियल डाल देंगे जितना है ना, और इसी में हम डाल देंगे ये जो हमने पीसा है ड्राई फ्रूट और खड़ा रख दिया वो, अभी पूरा हम मिला देंगे, बहुत थोड़ी से देखिए चीनी में, क्योंकि बहुत मीठा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, मुंह बांध लेगा। इस लड्डू की पहले बहुत डिमांड रहती थी मेरे यहाँ, लेकिन अब क्या है, चीनी नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, थोड़ा कम हो गया था इसलिए मैंने मीठा बनाना बंद कर दिया। पहले मैं लड्डू वगैरह बहुत बनाती थी, अब थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर इनके इनको हम बांध लेते हैं। ऐसे ऐसे करके बांध लेंगे, बांध के ऐसे रखते चलेंगे। तो दोस्तों हमारा फटाक से बन गया, कैसा लगा, टेस्टी तो इतना है कि क्या बताएं, मुंह में एकदम डालो घुल जा रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और बहुत सोना सोना लग रहा है। तो चलिए देखिए